टिकट तो जनता के हाथ में है, जनता देगी। पिछली बार टिकट पार्टी ने थोड़ी दी थी, हमने टिकट दी महादेव सिंह को, और तब जाके वो जीते। इतने प्यार प्रेम क्यों करो थे महादेव सिंह? उनका काम देख कर। बैठो 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 बाबू जी बैठो बैठो अजी बैठो राम ने आप नहीं चाहे बोर्ड बैठो 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 बैठो। अच्छा देखो स्वागत वाली बात ये है कि हम दूसरों के लिए स्वागत करते हैं, गांव में तो आप ही दुश्मन जाए एक दूसरा। अच्छा बाबू जी बताओ जी देश का बात करो दुश्मन बता दियो। अजी नहीं नहीं दुश्मन बात पूरी ये तो ये कह रहे पूरी बात कह दी अजी ये तो ये कह रहे वो तो जूता के लिए तो कोने ही पास आपको दूते हैं खाने तो बंद तो राम ने जब्ती मान लेते हैं। अच्छा खड़े रहोगे खड़े हो रहे ये है कि खड़े हो रहे नहीं मेरे गोडम दर से खड़े को नहीं जाए महादेव सिंह ने खाओ लगे तो हॉस्पिटल खुला थी और डांडा को हॉस्पिटल गढ़ जिन्हें पंचायत बना थी खुर्रा फुर्रा टंकी सेफ्टी बना दिया और भी खा लो बात जनदार। अच्छा पंचायत समिति या विधानसभा की बातें कर रहे हैं सोचने वाली बात नहीं है तो हमारे तो अपने हिसाब से बस सीधी बात यही है जो भी कैंडिडेट है सब बढ़िया है और हमारे गांव में सबके वोट है जितने खड़े होंगे ना चाहे बिल्कुल बिल्कुल खाली आएगा। अच्छा इनके पास जमीन है दे दो अभी बना देंगे स्वीकृत पैसे हैं हमारे क्या ये जमीन कम है क्या कम है कौन कम है बनवाओ ना यहाँ बनाओ ना यहाँ तो बनाएगा तो आप दे दो। अरे मैं अच्छा, कह रहा हूँ सुनो आप सुनो। नमस्कार मैं किशोर कुमार ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खंडेला विधानसभा के तमाम गांवों में हम जा रहे हैं वहां से लोगों के मन की बात है आप तक पहुंचाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है गाँव में चुनाव की चर्चा है जोरों पर हम बात करें। इस बार खंडेला में कौन बनेगा विधायक किसके सर पे सजेगा ताज कौन बनेगा खंडेला का सरताज जिस प्रकार हम बात करेंगे पिछले बात करें 6 बार के यहाँ के विधायक रहे हैं माधव सिंह खंडेला और 1 बार केंद्र में मंत्री भी रहे हैं उनकी विधानसभा है ये खंडेला। और खंडेला की बात करें तो इससे पहले वो बंसीधर जो बाजिया हैं वो यहाँ के विधायक रहे थे और 2018 की हम बात करें तो निर्दलीय के तौर पर माधव सिंह खंडेला ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी से सुभाष मिल ने चुनाव लड़ा था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर माधव सिंह खंडेला है वो चुनाव जीत गए थे। इस बार जनता का क्या है मानस किसको चुनना चाहती है जनता इनको लेकर हम ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। खंडेला ग्राम पंचायत की गढ़ भोबजी एक ग्राम पंचायत खंडेला पंचायत समिति की एक हम बात करें तो गढ़ भोबजी जो नवसर्जित ग्राम पंचायत है नई बनी है ना सर इस बार नई नव निर्वाचित ग्राम पंचायत है वहां के लोगों के बीच हम आए हैं बातचीत करेंगे आखिर जनता का कैसा है मानस इस बार किसको चुनेगी यहाँ की जनता बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार क्या नाम है आपका? गिरिराज मोदी। अच्छा गिरिराज जी बात कराओ चुनाव को लेकर के नई ग्राम पंचायत बनी है कैसा क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर के यहाँ? माधव सिंह जी का माहौल है उन्होंने पंचायत बनाने में और 2 हॉस्पिटल दिए हैं रोड दिए हैं ब्लॉक बिछवाए हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर साइंस की फैकल्टी खुलवाई है और अभी थोई की अभी 3 तारीख को शिलान्यास हुआ है 1 करोड़ का और दिया है। अच्छा। और पर्सनली रेगर सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपए पास किए तो विकास के नाम पर हम तो माधव सिंह जी खंडेला को। अच्छा, और भी लोग हैं बातचीत करेंगे जी। नमस्कार सर मेरा नाम नवरंग सिंह डवास यहाँ सबसे ज्यादा माधव सिंह जी के वोट हैं। हमारे गांव में हॉस्पिटल खुलवाया डॉक्टर जी लगवाए और हमारी नाणी में खुर्रा दिया 15 लाख रुपए दिए और सीसी रोड बनवाई और अच्छा है। अच्छा विकास के काम किया विकास के काम किए। एक भाई भी है शायद मिरास बैठा क्या बात हुई भाई साहब क्या नाम आप? मेरा नाम राम सुंदर कड़वासरा है मैं सुभाष मिल का आदमी हूँ। अच्छा। इसको 40 साल हो गए वोट देते हुए बंसी बाजा को और माधव सिंह जी को जी। इन्होंने क्या करवा दिया ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है हमारे पास इसमें जगह कम है क्या आप देख लो। अच्छा ये जमीन हमारे क्या ये जमीन कम है क्या कम है कौन कम है बनवाओ ना यहाँ बनवाओ ना यहाँ तो बनाएगा तो आप दे दो। अरे मैं कह रहा हूँ सुनो आप सुनो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि माधव सिंह खंडेला ने काम नहीं करवाया काम नहीं करवाया मेरी बात सुनो इनके डाणी में मेरे ब्लॉक लगवा दे इनके डाणी में ब्लॉक लगाए पूरी डाणी में रुंजावली में आज तक नहीं हुआ उनके कौन कौन सी डाणी में लगवा दिया यदि वही लगवाए ना सावण जी के लगवाए किसके लगवा दे सावण जी के उसके खुद के आदमी ना उसके लगवाए क्या बोल रहे यार पंचायत करती है सर ओए नवरंग जी सरपंच कायदा कुछ समझ लो ना नवरंग जी के खुद का आदमी ना सावण जी उसके लगवाए किसके लगवा दिया अगर वो खुला करे क्या है इस बार गढ़ भोब जी की जनता का मानस क्या सुभाष भी नहीं देगा
क्यों? देखो नवयुवक को भी मौका मिलना चाहिए, ये जरूरी थोड़ी है कि उनके पूरी उम्र ठेका लिखा हुआ। अच्छा तो इस बार हाँ इस बार बदलाव बदलाव चाहिए। सर नमस्कार जी, मैं महादेव सिंह का ये आदमी और महादेव सिंह का वोट देता हूँ मैं। अच्छा। आज से नहीं, मैं 2009 से दे रहा हूँ। 2009 से, क्योंकि 2014 में उन्होंने पीएससी खुलवाया गढ़बाऊ जी में, ऐसा टंकी बनवाई है उन्होंने, इसको ग्राम पंचायत बनाया गढ़बाऊ जी को जी, और कई विकास कार्य करवाए महादेव सिंह ने। खुश आप उनके? हाँ मैं उनके कार्य। यह 2 लाख की टंकी बन गई क्या? ये बोल रहे टंकी तो बनी, टंकी बन रही है ना जोड़ी में, वो दिख रही है सबको ये। हाँ टंकी बनी है, अगर मैं सामने कह रहा हूँ सरपंच के सामने कह रहा हूँ, 1 लाख लीटर की टंकी है, अगर कुछ चाहिए तो मैं सामने कह सकता हूँ। तो विकास करवाए बनी के मन में जो बोल उन्होंने गढ़बाऊ जी स्कूल में साइंस खोली है, पशु चिकित्सालय खुलवाया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया है, मतलब बहुत बड़े बड़े काम करवाए। तो इस बार ग्राम पंचायत की बात करें तो कसो के माहौल है? देखो ग्राम पंचायत में बहुत अच्छा माहौल है, महादेव सिंह क्लियर आएंगे आज, हमने टिकट दी महादेव सिंह को बिल्कुल, और तब जाके वो जीते। अच्छा इतने प्यार प्रेम क्यों करो थे महादेव सिंह? उनका काम देखकर। अच्छा कौन से कार्य जो आपको प्रभावित करते हैं? कार्य उन्होंने पीएससी खुलवाया गढ़बाऊ जी में, सबसे खंडोला की बात कर, ग्राम पंचायत बनाई है गढ़बाऊ जी को। अच्छा नई ग्राम पंचायत? नई ग्राम पंचायत। पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले लोहरवाड़ा जाना पड़ता था। सुभाष मिल ने? हाँ। अच्छा क्यों? देखो वो सचिन ग्रुप का था, पंचायत राज मंत्री कौन था? सचिन था। और सबसे बढ़िया काम कांग्रेस सरकार कर रही है, इसलिए हाँ सबसे बढ़िया काम कर रही है कांग्रेस। दोबारा इस बार इनको चुना? हाँ दोबारा इनको चुना। तो देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ पे हैं, गढ़बाऊ जी के सरपंच प्रतिनिधि हैं। सर क्या नाम आपका? सुरेश कुमार रायगर। अच्छा सुरेश कुमार जी, अब बात करें चुनाव को लेकर के, आपकी ग्राम पंचायत के कितने वोटर्स हैं सर अभी? टोटल 2700 वोट है। 2700 वोट, सभी जाति बिरादरी के लोग? सभी जाति। अच्छा सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ पे कौन कैंडिडेट लगता है, बीजेपी कांग्रेस या फिर कोई व्यक्ति विशेष? अब तो व्यक्ति विशेष में महादेव सिंह जी का अच्छा माहौल है। महादेव सिंह जी का? हाँ। उन्होंने तो ऐलान किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैम उनका बच्चा है ना वो गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह? हाँ। अच्छा टिकट लेके आऊंगा? टिकट लेके आऊंगा, टिकट लेके आऊंगा। कौन? कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे? अब वो कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे। अच्छा विकास के कार्य की चर्चा करें तो ग्राम पंचायत बढ़िया विकास किया है इन्होंने। प्रधान आप आदमी कौन बन सकोगे? उनके घर में लिखे हुए पूरी राजनीति संकट बहुत कोने पड़े है ना। हाँ जी क्या कहेंगे सर? नहीं मैं तो इनकी सुन रहा हूँ, आप बताओ। आप सर। अरे हमारी तरफ से तो क्या है, विकास बढ़िया हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया ये जो चल रहा है वो हमें तो क्या है अपने संतुष्ट संतुष्ट आप? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, बढ़िया से बढ़िया काम है। अच्छा अच्छा वोट देना वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल अलग बात, बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। और किसी के अंदर क्या है पॉकेट में डालने वाली बात नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया या तो तथ्यात्मक नॉलेज रखा करो कि भाई साहब इन्होंने ये नहीं किया। सुभाष जी बढ़िया आदमी है, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि यार हमारे एक वोट से वो जीत जाएंगे और महादेव सिंह जी हमारे एक वोट से हार जाएंगे। आप महादेव सिंह जी नहीं खड़े होते हैं, व्यक्तिगत वोट नहीं होते इनके पास। अरे पहले टिकट नहीं मिली और उनको कांग्रेस की टिकट मिल गई, उन्होंने बहुत बढ़िया वोट लिए लेकिन फिर भी हार गए हो, और इन्होंने बिना टिकट निर्दलीय खड़े होकर जीत गए क्योंकि इनके व्यक्तिगत वोट हो गए। इनकी राजनीति 30 साल की हो गई और 30 साल में कितने आदमी से इनका संपर्क बुराई भलाई सबसे ही होती है, लेकिन इनको तो व्यक्तिगत वोट मिले। फिर लड़का हो गया खड़ा कर दिया क्योंकि उनमें इतना वर्चस्व तो होता है यार, प्रधान हर आदमी तो कोई बन नहीं सकता, उतनी तो उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए। आपका ये माइक मैं थोड़ी ले सकता हूँ, ये पकड़ के लो जी सर मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं, अरे अपने घर से मतलब नहीं है, हमारा घर हमसे नहीं चलता, हम पंचायत और सीधी बात यही है, जो भी कैंडिडेट है सब बढ़िया है और हमारे गाँव में सबके वोट है, जितने खड़े होंगे ना चाहे बिल्कुल बिल्कुल खाली आएगा उसको भी वोट देंगे, निराश नहीं करेंगे और स्वागत और करते हैं उनका, यहाँ स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं उनको, अगर किसी को खर्चा चाहिए उनको खर्चा भी देते हैं। अच्छा ऐसा है ये गांव, ये छोटा सा ही गांव है और इनकी बहुत बड़े बड़े दिल है, इनमें से कोई कमी नहीं है सोचने वाली, और देखो कितनी मस्ती ले रहे हैं, इतनी बात है वोट कब पड़ेंगे वोट कहाँ डालने हैं, और अभी तो ये भी कोई ऐसे कुछ नहीं बोल सकता यार किसी को क्या टिकट मिले। बिल्कुल बिल्कुल वो तो आगे की बात, टिकट के बाद में समीकरण बढ़ेंगे। हकीकत बात तो यही है कि जो भी हमारे पूर्वज जो है ना ये पुराने जो भी नेता हैं, मान लो बीजेपी के भी मान लो कांग्रेस के भी मान लो, उन्होंने भी बहुत ज्यादा विकास नहीं किया, लेकिन अब जाके उन्होंने थोड़ा सा आगे सुभाष जी के हिसाब से मान लो या कोई भी
कॉम्पिटेटिव खड़ा हो जाता है, तो अब बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, मतलब होना भी चाहिए, कोई शिकायत है नहीं। अच्छा प्रतिद्वंदी आना भी चाहिए तभी विकास होगा, तब तो समझने वाली बात यही है। और दबाव वाली क्या, हमारी तो शादी शुदी हो रखी है, धंधे कर रखे हैं, नहीं नहीं प्रेशर नहीं, कॉमेंट किसी पे मारना ही नहीं है, आप तो स्पष्ट बताओ की तार्किक बातें रखी है, तार्किक बातें रखी है, नॉलेज आपको बोर्ड चाहिए तो मैं डलवा दूंगा ना यार, किसको डलवाने, आप ये थोड़ी होता है ऐसे, थोड़ी आपकी मस्ती है कि मैं इसको देऊंगा तो बहुत मस्ती वाली बात होगी, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ इनकी तो जामनी जपता है, ये लोग हमारे गांव के ही है, हाँ जी नहीं बैठो 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 तू खचा बैठो 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 बाबू जी बैठो बैठो अजी बैठो जामनी जामनी बैठो बैठो बैठो। अच्छा स्वागत वाली बात ये है, अच्छा दूसरों के लिए स्वागत करते हैं, गांव में तो आप ही दुश्मन है एक दूसरे। अच्छा बाबा जी बताओ जी व्यक्तिगत तो बात कर लो, दुश्मन बता दियो जी, नहीं ये तो ये खेरे वो तो जूता दे लेते को तू कोने ही पास आपको दूध दे खाने तो बंद तो सामने जब भी मान लेते हैं। अच्छा बताओ खड़े हो रहोगे ये है कि खेरे की थान वोट कौन तो खड़े हो रहे नहीं मेरे गोदाम दर से खड़े को नहीं जाए डायलॉग तो कम थे भी कौन मार रहे हो बात यही कौन कर थे भी कर रहे हो चुनाव खड़ा थोड़ी हो रहे हो चलो बहुत बढ़िया। अच्छा कौन खड़ा हो रहा है इस बार अब की बार क्या लगा था ग्राम पंचायत को ज्यादा पक्ष की क्या मजबूत रहे इसके तारे साहब ये वक्त खड़ो यही तस्वीर सामने वाली है को न्या सके। अच्छा अच्छा अगर सुभाष मिल कांग्रेस की टिकट लिया तो पंद्रह बने ही बरात बने ली पंद्रह नहीं बने बरात को अजय सिंह जी तो निर्दलीय खड़े हो जीत गए माँ देव सिंह ने खाओ लगे तो हॉस्पिटल खुला थी डांडा को हॉस्पिटल का गढ़ जिन्हें पंचायत बना थी खुर्रा फुर्रा टंकी सेफ्टी बना दिया और भी खा लियो बात जनता। अच्छा अच्छा हाँ और का चावला सही बात है। हाँ बिल्कुल बताओ आपने जावर जी के पिताजी जावर। अच्छा ये बात नहीं सुनते बिल्कुल टिकट मिल जाए कोई बार हालवा को सब वोट देना पूर्ण सहयोग है टिकट को क्या लगा था मिल सकते बाबा जी राम 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 के नाम है मेरे तो हनुमान नाम जी। अच्छा हनुमान जी कितना वोट करवा दिया होगा कड़े वोट तो बोल दिया दिया होगा खूब दिया दिया खूब। और अब की बार किन देश देखो अब पब्लिक दे गांव वाला जन जो करता कार्य दिख लो भाई जी को पहाड़ो ऊपर न जा रहे जी नहीं दे दिया। अच्छा मोबाइल मिलो कौन मिलो ना ना अरे मोबाइल अरे छोरा जो बीएड कर डा डोले जे और टोडा श्रेया जी आपका जो परिवार वाला तो माने ले गेट के माए और बाने तो कर दिया पास है ना और जो एसी का गया जगह ने देता कार काट दिया। अच्छा जरा ए वोट ऐसी ऐसी का ना और क्यों कह जी। अच्छा अच्छा ऐसी आला ने क्यों खोजो थे वोटा में ही तो आपकी बार किन कड़ी के माहौल रहो देखो जड़ी ने माहौल होगा जी को पारड़ो ऊंचो जा लो जी का नहीं जाएगा ऊंचो थे कर से ऊंचो थोड़ी कर नहीं अब तो मार तो ज्यावनी वाली ज्यावनी करा लो युवा साथी भी है क्या नाम है तेरा राजेंद्र राजेंद्र। अच्छा आपकी बार क्या लागत है अड़क होगी थे। अच्छा वोट पड़ा को कौन पड़े लागी ला वोट तो थर भी आई कितनी उम्र होगी कौन लागी मेरा कौन लागी तेरा तो आका लागी अब मैं ठाव कौन है मैं ठाव कौन 18 तो नहीं आका लागी ला हां जी क्या बात है अवार्ड इन तो माहौल तो दोनों के बराबर ही चल रहे थे भाई और देखो दिखा जनता की ऊपर है टिकट मिलने के ऊपर टिकट मिलने पर हां बराबर है सब और भी लोग हैं बाहर भी लोग हैं भाई काफी युवा भी यहाँ पे खड़े हैं काफी युवा है बड़ा बदलाव चाहते हैं बातचीत करेंगे वैसे राम राम। मेरा नाम स्वतंत्र गोदारा और मेरी अभी एज नहीं हुई है लेकिन यहाँ पे देखते हुए गांव में तो सुभाष मिल की हवा बनी हुई है अभी तक तो। अब क्या होता है वो तो भविष्य के गर्त में है लेकिन वीडियो के बारे में आपकी क्या राय रहेगी आप एक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।